हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे एपिकल्चर की। एपिकल्चर का मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिकल्चर? कि रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ हनी। कि बेसिकली अपन हनी बी की रियरिंग करेंगे किसके लिए? फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ हनी, की हनी के प्रोक्योरमेंट के लिए हमें हनी बी की रियरिंग करनी है। तो अगर सिंपल सी लाइन बात बताना चाहूँ तो हनी के प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी रियरिंग करते हैं हम लोग? हनी बी की। और जब हनी बी की रियरिंग करते हैं, जो केयर एंड मैनेजमेंट, जो साइंटिफिक केयर एंड मैनेजमेंट क्या कहलाता है उसका? एपिकल्चर। देखो, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एपिकल्चर से, ठीक है? तो आज का टाइटल क्या है अपना? एपिकल्चर। तो बेसिकली क्या चीज है एपिकल्चर? रियरिंग ऑफ हनी बी, रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर द प्रोक्योरमेंट, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ हनी इज नॉन एज एपिकल्चर। ओके, तो सिंपल सी थिंग है कि हम हनी बी की रियरिंग करेंगे किसके लिए? हनी के प्रोडक्शन के लिए। वो हमारा एपिकल्चर कहलाएगा, दैट्स इट। अब इसके बाद में दूसरी टर्म होती है एक एपियरी। क्या टर्म होती है भाई? एपियरी। एपियरी क्या होती है? कि पर्टिकुलर प्लेस, ओके, कि ए पर्टिकुलर प्लेस वेयर हनी बी कॉम्ब इज मेंटेन। जो हनी बी का कॉम्ब होता है, जो हनी बी का हाई होता है, उसको मेंटेन किया जाता है। आई मीन कि सपोज दैट इस रूम के अंदर मुझे रियरिंग करनी है, ओके, तो इस रूम के अंदर रियरिंग करनी है मुझे, इस पर्टिकुलर प्लेस के अंदर हनी बी के कॉम्ब को यहाँ प्लेस करना है, यहाँ पर्टिकुलर प्लेस के अंदर उसको रखना है, उसको क्या बोलते हैं? एपियरी। तो ये पर्टिकुलर प्लेस वेयर हनी बी कॉम्ब इज मेंटेन इज नॉन एज एपियरी। तो ये क्या होता है? ये पर्टिकुलर प्लेस होता है, सिंपल सी थिंग। ये क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस वेयर हनी बी कॉम्ब इज मेंटेन्ड। तो उसको क्या करते हैं वहां पे? मेंटेन किया जाता है। दीज आर दी एपियरी। ये दो बात हो गई। अब मैं एपिकल्चर हनी के बारे में, हनी बी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हनी बी के बारे में बात करते हैं। हनी बी के बारे में देखो, कुछ उसकी टैक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन किसकी स्टडी करते हैं इसके अंदर? हनी बी की। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? ओके, तो साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका? एपिस स्पीसीज। क्योंकि अदर इसके नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इंडिया में 7 to 8 स्पीसीज के अराउंड प्रेजेंट होती है। बट अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो अराउंड हम 5 स्पीसीज इसकी क्या करते हैं? स्टडी। तो एपिस स्पीसीज करके हम इसका साइंटिफिक नाम शो करते हैं। आफ्टर दैट फैमिली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फैमिली क्या हो गई इसकी? एपीडी। देन ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो गया इसका? सबको पता है कि हनी बी कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है? बेनिफिशियल इंसेक्ट। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? हाइमेनोप्टेरा। ओके, एक इंपॉर्टेंट थिंग, सब ऑर्डर भी पूछता है इसका। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट। तो इसका सब ऑर्डर क्या होता है? एपोक्रेटा। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली कि एपोक्रेटा क्या है इसका सब ऑर्डर। दिस इज द टैक्सोनॉमी। तो एपिस एपिडी फैमिली हो गया, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर हो गया, और सब ऑर्डर की बात करें तो एपोक्रेटा। क्वेश्चन क्या आया था एक बार कि प्रोपोडियम जो होता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोडियम? कि जहां हम मेटाथोरेक्स आपके फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के साथ फ्यूज हो जाता है, व्हेन मेटाथोरेक्स आर फ्यूज विद फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट एंड दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोपोडियम। एंड प्रोपोडियम जनरली कौन से सब ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होता है? दैट्स द एपोक्रेटा। जनरली तो प्रोपोडियम आपके कौन से सब ऑर्डर में होता है? एपोक्रेटा के अंदर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए इसके सब ऑर्डर के बारे में अपने को जानना जरूरी था। तो ये अपनी जनरली बात हो गई। एपिकल्चर क्या होता है, एपियरी क्या होता है, इसकी टैक्सोनॉमी क्या है। अब वन बाय वन करके मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ स्लाइड। आई थिंक आप लोगों की समझ में आई होगी। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं इसके जनरल प्रोडक्शन की। तो अगर हनी के प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किस कौन सी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है? तो चाइना में। कहाँ पे होता है? चाइना में। यदि मैं पर्टिकुलर स्टेट की बात करता हूँ तो कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा होता है? आप लोग बताओ कि हनी का प्रोडक्शन कौन सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के अंदर होता है वर्ल्ड में? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम तो चाइना के अंदर हो गया, ठीक है। और स्टेट की बात करें तो स्टेट में किस में होगा? देखो, यदि वर्ल्ड लेवल की बात की जाए, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ हनी
नाइन लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? साइना में। यदि अपन इंडिया में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो स्टेट में है वो है तमिलनाडु। ओके, तो कहाँ पे होता है भाई? तमिलनाडु के अंदर इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ये इसकी जनरल थिंक हो गई। अब इसकी अलग अलग स्पीसीज कौन सी है, वन बाई वन करके उनकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले एक आती है रॉक स्पीसीज। क्या नाम है? रॉक हनी बी। ओके, रॉक हनी बी। इसके बाद में आती है इंडियन हनी बी, देन लिटिल हनी बी, देन इटालियन या फिर यूरोपियन हनी बी। एक होती है डैमर, डैमर इज ऑल्सो नोन एज स्टिंगलेस, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉस्किटो हनी बी। देखो, सबसे जो लार्जेस्ट साइज की होती है, क्वेश्चन क्या था आपके कि द लार्जेस्ट साइज ऑफ हनी बी, तो लार्जेस्ट साइज की जो हनी बी होती है वो कौन सी होती है? रॉक बी। कौन सी होती है भाई? रॉक बी बोलते हैं जिसको, जो सबसे लार्जेस्ट साइज की होती है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? वो होता है आप एपिस डॉर्सेटा। ओके, तो एपिस डॉर्सेटा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। क्या क्वेश्चन पूछता है कि लार्जेस्ट साइज ऑफ हनी बी, तो आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट साइज कौन सी हो गई? एपिस डॉर्सेटा, जो सबसे बड़ी है, जिसको रॉक बी, इसके अलावा इसको जायंट बी भी बोलते हैं। अगर ये नाम भी लिखा हुआ मिल जाए आपको तो कंफ्यूज नहीं होना अपने को कि इसको जायंट बी या फिर रॉक बी बोलते हैं। इसके बाद में इंडियन बी, इंडियन बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस सेराना इंडिका। ओके, तो क्या हो गया इसका साइंटिफिक नेम? एपिस सेराना इंडिका। लिटिल बी, लिटिल बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस फ्लोरिया। ओके, लिटिल बी साइज में छोटी होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट साइज। ओके, दो क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट वन लार्जेस्ट साइज, तो लार्जेस्ट साइज कौन सी होगी आपकी? एपिस डॉर्सेटा। एंड अनदर वन इज स्मॉलेस्ट। तो इन दोनों की मैं ब्रैकेट में अगर यहाँ ऐसे आप लोगों को हमेशा याद रहे तो ये कौन सी हो गई? लार्जेस्ट। और ये कौन सी हो गई? स्मॉलेस्ट। ओके, ये नीबी की। और लिटिल बी का एक अनदर कॉमन नेम और है, उसको ड्वार्फ बी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटिल बी इज ऑल्सो नोन एज ड्वार्फ बी। तो इसको मैं अगर यहाँ से ड्वार्फ बी भी लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इट इज ऑल्सो नोन एज ड्वार्फ बी। तो ड्वार्फ बी, लिटिल बी द साइंटिफिक नेम इज एपिस फ्लोरिया, इट इज द स्मॉलेस्ट साइज। कैसी होती है? सबसे स्मॉलेस्ट साइज होती है। इसके बाद में होती है इटालियन बी या फिर यूरोपियन बी। द साइंटिफिक नेम ऑफ इटालियन बी एंड यूरोपियन बी इज एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ यूरोपियन बी और इटालियन बी। देख, इसको यूरोपियन बी या इटालियन बी, इसका नाम क्यों है? इसके नाम के पीछे का रीजन क्या है कि ये फॉरेनर वो है, एग्जोटिक हनी बी की स्पीसीज है। एग्जोटिक मतलब जिसको हम अनदर कंट्री से क्या किए हों, इम्पोर्ट किए हों। तो अनदर कंट्री से इम्पोर्ट किए हो, कौन सी कंट्री से इम्पोर्ट किया था? इसका नाम से थोड़ा समझो, इटालियन। मतलब हमें थोड़ा आइडिया लग रहा है ये कहाँ, कौन सी कंट्री से इंट्रोड्यूस हुई थी, कि ये जो इम्पोर्ट की गई थी वो इटली से की गई थी। कब की थी? 1962 से 1964, अभी आगे बताऊंगा। तो पर थोड़ा नाम याद रहना चाहिए कि अपने को अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन इज द एग्जोटिक स्पीसीज ऑफ हनी बी, क्या आएगा क्वेश्चन अपना? विच वन इज द एग्जोटिक स्पीसीज ऑफ हनी बी, देन योर आंसर शुड बी एपिस मेलिफेरा। तो एपिस मेलिफेरा एग्जोटिक स्पीसीज है, इसको इटालियन बी बोलते हैं, इसको यूरोपियन बी भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद में आती है डैमर बी, स्टिंगलेस बी और मॉस्किटो बी। डैमर बी, स्टिंगलेस बी, मतलब ऐसी हनी बी की स्पीसीज जिसके अंदर स्टिंग प्रेजेंट नहीं होता, जिसमें डंक प्रेजेंट नहीं होता, जिसमें डंक मारने की कैपेसिटी नहीं होती, स्टिंग मारने की कैपेसिटी नहीं होती, वो कौन सी स्पीसीज हो गई? स्टिंगलेस। ये उसी को क्या बोलते हैं? डैमर बी। और उसी का क्या नाम होता है? मॉस्किटो बी। और जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मेलिपोना इरिडी पेनिस। ओके, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? मेलिपोना इरिडी पेनिस। ये मेलिपोना जो इसकी जीनस है ना, ये तो अभी न्यूअर वन है, इससे पहले जो ओल्डर वन थी वो ट्राइगोना के नाम से मिलती है। तो अगर आपको मेलिपोना की जगह ट्राइगोना लिखा मिल जाए, क्या मिले? ट्राइगोना
इरिडिपेनिज, तो भी सेम थिंग है, तो कंफ्यूज नहीं होना अपने को, चाहे ट्राइगोना पूछ ले चाहे मेलिपोना पूछ ले। तो मेलिपोना एंड ट्राइगोना इरिडिपेनिज इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डैमर बी, स्टिंगलेस बी और आई कैन से मॉस्किटो बी। तो ये इनके जनरल नाम हो गए, ये तो जनरल थिंग्स हो गई जिसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो मैं आप लोगों को बता देगा। डायरेक्टली नाम पूछेगा रॉक बीज ऑल्सो नोन एज जायंट बी, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम एपिस डोर्सेटा, सबसे बड़ी साइज की कौन सी होती है, इसके बाद में इटालियन बी का क्या नाम है, इंडियन बी का क्या नाम है, लिटिल बी का क्या नाम है और डैमर बी का नाम क्या। अब जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एक जो अभी नेट 2019 के अंदर एंटोमोलॉजी में क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि व्हाट इज द फैमिली ऑफ डैमर बी, क्या पूछा था भाई फैमिली। अभी जनरली मैंने बात की वहां पे, तो फैमिली कौन सी थी एपीडी, कौन सी बता रहा था मैं एपीडी। यदि उसके अलावा इस स्लाइड के अंदर मैं देखो फैमिली अगर और भी ऐड करना चाहूँ ना, इसकी फैमिली एपीडी भी होती है, इसके अलावा मेलिपोनिडी भी होती है, ठीक है। अगर मैं और बात करूं तो बोम्बिसाइडी भी होती है। जनरली ये तीन फैमिली होती है किसकी, हनी बी की, पर जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आपको मान लेते हैं नहीं ऑप्शन में मिल गई, और ऑल ऑफ दी वो तो आपको ऑल ऑफ दी वो चूज करना है, अदरवाइज अगर सिंगल आपको एपीडी मिल रही है वहां पे, क्योंकि सिंगल एपीडी प्रेजेंट है तो आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना है एपीडी को। अगर मान लो सपोज है चार ऑप्शन में एपीडी भी, मेलिपोनिडी भी, बोम्बिसाइडी भी, कोई अनदर वन है, और उनमें से अगर आपको चूज करना है तो आप एपीडी को प्रेफरेंस देंगे सबसे ज्यादा, ओके। तो एपीडी जनरली इसकी फैमिली मानते हैं। अब क्वेश्चन क्या आया था नेट के अंदर कि विच वन वो सॉरी व्हाट इज द फैमिली ऑफ डैमर बी, तो डैमर बी या स्टिंग लैग्स बी की फैमिली क्या है। अब देखो अगर मैं नाम की बात करूं, इन चारों का जीनस मैं बात करूं, रॉक बी का, इंडियन बी का, लिटिल बी का और इटालियन बी का, चारों का जीनस क्या है एपिस 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 और एपिस, इन चारों की फैमिली होती है एपीडी। कौन सी होती है भाई, इन चारों की फैमिली होती है एपीडी, ओके। डैमर बी या स्टिंगलेस बी का जीनस देखो एक बार, जीनस का नाम क्या है मेलिपोना, और जैसा जीनस का नाम है, इनमें जीनस का नाम क्या था एपिस, फैमिली कौन सी होगी एपीडी, इसमें जीनस का क्या नाम है मेलिपोना, फैमिली कौन सी हो जाएगी मेलिपोनिडी, सिंपल थिंग है। तो इसकी अगर मैं फैमिली की बात करूं तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी मेलिपोनिडी, ठीक है। तो मेलिपोनिडी इसकी फैमिली होगी, ये नेट 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर डैमर बी की आपको फैमिली पूछ ली जाती है तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे मेलिपोनिडी। ऑर्डर की बात करूँ, ऑर्डर सबको पता है हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, सब ऑर्डर की बात करें तो एपोक्रेटा, तो एपोक्रेटा इनका क्या हो गया सब ऑर्डर, और ऑर्डर की बात करें तो हाइमेनोप्टेरा। दिस इज द अबाउट जनरल थिंग, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को डायरेक्टली नाम याद करना है, मैं जो इंपॉर्टेंट थिंग थी वो मैंने आपको बता दी कि रॉक बी का दूसरा नाम जायंट भी होता है, इसको एपिडोर्सेटा इसका साइंटिफिक नेम होता है, ये लार्जेस्ट साइज की होती है। इंडियन भी जो एपिस सेरेना इंडिका इसका नाम होता है, लिटिल भी जिसको ड्वार्फ भी बोलते हैं, ये एपिस फ्लोरा इसका नाम होता है, ये स्मॉलेस्ट साइज की होती है। आफ्टर दैट इटालियन भी और यूरोपियन भी, एपिस मेलिफेरा बिकॉज इट इज द एक्जोटिक स्पीसीज एंड इट इम्पोर्टेड फ्रॉम द इटली इन 1962 to 1964। After that, डैमर बी, स्टिंगलेस बी एंड मॉस्किटो बी, द साइंटिफिक नेम इज मेलिपोना इरिडिपेनिस और वी कैन सी ऑल्सो ट्राइगोना इरिडिपेनिस, द फैमिली इज मेलिपोनिडी। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दिस क्वेश्चन केम इन द नेट एग्जाम इन 2019, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर स्लाइड, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया। सिंपल थिंग, ये जो कंट्री की बात करते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो चाइना के अंदर होता है, और इंडिया में बात करें तो स्टेट की तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है तमिलनाडु के अंदर, ओके। अब जो मैं स्लाइड बता रहा हूँ वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें से 100% आने की प्रोबेबिलिटी होती है हनी बीक में से, क्योंकि हर अगर आपको 2-3 इंटरवल के बाद में बात करूँ कि 2-3 ईयर्स के इंटरवल के बाद में हर पेपर के अंदर रिपीट होता रहता है, वो क्या होता है इसके प्रोडक्शन, हनी का प्रोडक्शन, वो उसकी बात कर लेता हूँ मैं एक बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, वेरी है उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्जोटिक बिल्कुल सिमिलर। अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले एपिस डोर्सेटा, तो आप आई थिंक आप लोगों को अब नाम पता चला होगा एपिस डोर्सेटा कौन सी होगी, रॉक बी या फिर जायंट बी, फिर अनदर वन है एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना इंडिका, इसके बाद में बात करूं एपिस मेलिफेरा, इसके बाद में बात करता हूं एपिस
फ्लोरिया, इसके बाद में बात करता हूँ मेलिपोना एरिडिपेनिस, ये जनरल बात हो गई भाई। डोर्सेटा, सेरेना इंडिका, मेलिफेरा, फ्लोरिया और इरिडिपेनिस। क्या पूछता है इनका कि प्रोडक्शन, हनी के प्रोडक्शन किसकी बात करें कि पर कॉम्ब, कि एक सिंगल कॉम्ब होता है, एक छत्ता होता है, एक हाई होता है, तो जो एक छत्ता होता है, एक हाई होता है या एक कॉम्ब होता है, उसके एक कॉम्ब से इस स्पीसी से कितना प्रोडक्शन मिलता है हनी का। ओनली दैट, किसकी बात करें, हनी का, कि हनी का आपको कितना प्रोडक्शन मिलता है। यहां मैं अगर प्रोडक्शन लिख दूं तो देखो, एपिस डोर्सेटा का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका होता है 37 kg पर हाइव। ओके, कि एक छत्ती से आपको कितना मिलता है, 37 kg। अब जो मैं चीज बता रहा हूँ वो ये है भाई, वो वेरी होता है किस पे, आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट कैसे, उसमें अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, जरूरी नहीं 37 हो एग्जैक्ट। वैसे बात करूँ अगर मैं किसी रेफरेंस बुक की, तो वहाँ 37 ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, बट अलग अलग जो पेपर बनाने होता है उसका माइंडसेट अलग होता है, वो कहीं ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। तो यदि आपको ऑप्शन 22-25 मिल जाए, क्या मिले कि 22-25, 25-30, 35-40, 30-35, कोई भी ऑप्शन मिल जाए, कि 20 से ऊपर यदि आपको 20-25, 25-30, 30-35, 35-40 इनमें कोई भी ऑप्शन मिले आप उसको चूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको 37 वाला ऑप्शन चूज करना है। ओके, इसके बाद में बात करता हूँ आपके सेरेना इंडिका, जो इंडियन बी होती है, तो इंडियन बी की जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, इंडियन बी का प्रोडक्शन होता है 3-5 kg, कितना होता है 3-5 kg पर हाइव, कि 3-5 kg एक सिंगल हाइव से अपने को कितना मिला, 3-5 kg। इसके बाद में एपिस मेलिफेरा, इसकी बात करूँ इसका होता है 45-180 kg पर हाइव। ओके, तो इसका कितना होता है 45-180 kg एक सिंगल कॉम्ब से, किसकी बात कर रहे हैं, इटालियन भी यूरोपियन भी की। इसके बाद में एपिस फ्लोरिया, जो लिटिल भी है, ड्वार्फ भी, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 0.5-1 kg पर हाइव। ओके, तो इसका कितना हो गया 0.5 से लेके 1 kg तक। इसके बाद में मेलिपोना इरिडिपेनिस, तो मेलिपोना इरिडिपेनिस का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 62-200 g पर हाइव ओनली। ओके, तो कितना हो गया 62-200 g पर हाइव, दिस इज द प्रोडक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इनमें से क्वेश्चन पूछता रहता है, रिपीट होता रहता है इसमें से, कि किसका प्रोडक्शन होता है। देखो, अब जो मैं काम चीज़ बता रहा हूँ आपको, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की है पर समझना, मैं पूछता हूँ कि कौन सी स्पीसीज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है हनी का। ओके, विच वन स्पीसीज इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी, तो कौन सी स्पीसीज जो सबसे ज़्यादा हनी की प्रोड्यूसर स्पीसीज है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्पीसीज का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो मार्केट के अंदर जो सोल्ड हनी है, जो मार्केट के अंदर जो हनी बेचा जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सी स्पीसीज का है। देखो, दो क्वेश्चन हो गए मेरे, फिर से रिपीट करता हूँ कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, पहला क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है मार्केट के अंदर, हनी जो आप सोल्ड करते हो, आप जो मार्केट के अंदर बेचते हो, उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी स्पीसीज है जिसका सबसे ज्यादा वैक्स का प्रोडक्शन है। ठीक है, तीन मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, फिर से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि क्या पूछा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है। सिंपल सी देख लो, हम प्रोडक्शन लिख रखा है, हमें दिख रहा है सर 45-180 kg किसका होता है, एपिस मेलिफेरा का, तो सिंपल सी बात है इसका हाइएस्ट प्रोडक्शन होगा, हमें दिख रहा है ऑलरेडी, तो कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका हो गया, एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो क्या है, इटालियन भी है, यूरोपियन भी है, इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मार्केट के अंदर सोल्ड हनी में, तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका हो गया भाई। तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो होता है डोर्सेटा का। किसका होता है, डोर्सेटा, इसका हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है मार्केट के अंदर। अब किसी बच्चे के समझ में नहीं आएगा तो फिर से मैं बताता हूँ। देखो, प्रोडक्शन तो इसका हो गया ज़्यादा, और जो 37 के जी डोर्सेटा का मिला है हमें, तो उसमें से क्या हुआ एक्चुअली कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो बेचा जाता है ना, वो डोर्सेटा का हनी है, वो जो मार्केट के अंदर जो सोल्ड हनी है वो किसका है, डोर्सेटा का। क्योंकि डोर्सेटा का इतना प्रोडक्शन होता है
कि इतने ज़्यादा इसके कॉम मिलते हैं आपको, इतने ज़्यादा हाई मिलते हैं कि उसका जो मार्केटिंग अंदर जो डायरेक्ट हम क्या करते हैं उसको सोल्ड करते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका हो गया, डोरसाटा का। यदि वैक्स के प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो जो हाईएस्ट वैक्स प्रोडक्शन होता है वो भी डोरसाटा का होता है, तो इसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका हो गया, वैक्स का। किस कौन सी स्पीसीज का, एपिस डोरसाटा, रोक बी का और जायंट बी का। ये बात हो गई, ये तीन क्वेश्चन थे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, आप लोगों का आई थिंक समझ में आएगी जीवे में। हाईएस्ट प्रोडक्शन मेलिफेरा, हाईएस्ट वैक्स प्रोडक्शन डोरसाटा, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोल्ड एनी देन डोरसाटा, सिंपल थिंकर। ओके अब मैं आगे मूव करता हूँ, यहाँ तक आई थिंक सबके समझ में आ गए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू, इसमें से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। पूरी स्लाइड को मैं क्या कर देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ, ये लो आपके लिए, तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है इसको कि क्या है इंपॉर्टेंट। ओके अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। चलो अब देखो कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ मैं कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि दिस इज द डोरसाटा, दिस इज द फ्लोरिया, दिस इज द मेलिफेरा एंड अनदर वन इज लिटिल बी। तो डायरेक्टली हम गए सपोज दैट वहाँ पे हाइव लगे हैं, बहुत ज़्यादा छत्ते हैं, कहीं एपियरी में चले गए हम, एपियरी मतलब जहाँ पर्टिकुलर प्लेस है वेयर हनी बी कॉलोनी इज मेंटेन्ड, तो जहाँ हनी बी की कॉलोनी को मेंटेन किया जा रहा है वहाँ हम चले गए, वहाँ जाके देखा हमने, तो हमें पता लगा कि अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग इनके कॉम्ब लगे हुए हैं। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफिकेशन का भी सिंपल सा तरीका है। देखो सिंपल सा तरीका क्या है, अपने पास है एपिस डोरसाटा एंड इसके साथ एपिस फ्लोरिया, दो स्पीसीज अपने पास एपिस डोरसाटा है और एपिस फ्लोरिया। इसके अलावा देखो सबसे बड़ी लार्जेस्ट डोरसाटा और छोटी फ्लोरिया, बड़े छोटे का तो कॉम्बिनेशन होता है हमेशा होता है, अगर मैं दादा का और पोता का कॉम्बिनेशन होता है कि सबसे ज्यादा दादा को पोता अच्छा लगता है, पोता को दादा अच्छा लगता है, तो बड़े छोटे का तो कॉम्बिनेशन जन्म से होता है। तो फ्लोरिया स्मॉलेस्ट थी, लार्जेस्ट कौन थी, डोरसाटा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसके बाद में मेरे पास अनदर स्पीसीज हैं एपिस मेलिफेरा एंड एपिस सेरेना इंडिका। ओके इसके बाद में मेरे अनदर स्पीसीज कौन सी बच गई, मेलिपोना इरिडिपेनिस, ठीक है ये स्पीसीज है। अब हम डायरेक्टली फील्ड के अंदर गए, एपियरी के अंदर गए, वहां जाके देखा आपको छत्ते मिल रहे हैं, कैसे, कुछ छत्ते तो आपको ऐसे दिखे सिर्फ लंबे लंबे बने होंगे, कैसे बने हैं कि बिल्कुल लंबे वर्टिकल शेप में होंगे, कुछ छत्ते ऐसे होंगे जो बिल्कुल पैरेलल होंगे एक दूसरे के, कि जैसे छत्तों का एक समानांतर लाइन के अंदर जो पैरेलल हो एक दूसरे के, कुछ छत्ते ऐसे होंगे जो हॉरिजॉन्टल होंगे बिल्कुल। तो उनसे क्या हमें आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, हमें उससे क्या इंडिकेशन मिलता है, यदि वर्टिकल कॉम बने हुए हैं, कैसे हैं वर्टिकल कॉम, देखो यदि आपको वर्टिकल कॉम मिल रहे हैं, ठीक है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वर्टिकल कॉम का कैसे पता लगेगा, भैया देखो ये जो शेप है वो कौन सी है, वर्टिकल, जैसे पुरानी छत के ऊपर देख लो, जो पुरानी बिल्डिंग वगैरह है, पीपल का जो पेड़ है, बरगद का जो पेड़ है, उनके ऊपर देखोगे आपको ऐसे लंबे लंबे छत्ते मिलेंगे, देखने को मिलता है सबको, आई थिंक सबने देखा होगा, क्योंकि ये तो रूरल एरिया के अंदर भी है और आपके चाहे अर्बन एरिया की बात करो तो रूरल अर्बन दोनों जगह आपको मिल जाते हैं। तो जो लंबे छत्ते हैं बिल्कुल वर्टिकल कॉम्ब है, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ फ्लोरिया एंड डोरसाटा। और डोरसाटा और फ्लोरिया में सर हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये कौन सी है, तो भाई नाम से पता लगाना डोरसाटा बड़ी है, आपको बड़ी बड़ी साइज की यदि अनी भी दिखेगी तो आप समझ जाओगे डोरसाटा है, स्मॉलेस्ट साइज की है, वर्टिकल कॉम्ब है, इसका मतलब फ्लोरिया है। तो सिंपल सी थिंग हम डायरेक्टली पहचान जाएंगे कि वर्टिकल कॉम इज द सिम्टम्स ऑफ डोरसाटा एंड फ्लोरिया। यदि आपको ऐसे ही बिल्कुल पैरेलल, यदि आपको पैरेलल कॉम मिलते हैं तो पैरेलल कॉम से क्या पता लगेगा आपको कि एपिस सेरेना इंडिका और एपिस मेलिफेरा पैरेलल कॉम होते हैं इन दोनों के अंदर। इसके बाद मैं बात करूं मेलिपोना इरिडिपेनिस की, तो मेलिपोना इरिडिस के अंदर हॉरिजॉन्टल कॉम होते हैं, क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉम्ब होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्ब किसके अंदर हो गए भाई, मेलिपोना के अंदर।